जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्टेक चैनल में। आज हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स इन अकाउंट्स, कि हम किस किस लेज़र को हम डेबिट करते हैं, किस लेज़र को हम क्रेडिट करते हैं, किसको हम डीआर करेंगे, किसको हम सीआर करेंगे अकाउंट्स के अंदर। बहुत इजी भाषा में हम समझाएंगे, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें होता क्या है कि किसी भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है किसको हम डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि टैली के अंदर हम डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो टैली इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान। सिर्फ सिर्फ टैली में डेबिट एंड क्रेडिट करना ही समझना। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने तरह के इसमें अकाउंट्स होते हैं। तो इसमें मैनुअली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, पहला आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पहले को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, दूसरे को बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते के अंदर दो अकाउंट और आते हैं आपके। पहला होता है आपका रियल अकाउंट, जिसको हम वास्तविक खाता बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम नाममात्र खाता बोलते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, जिससे कि हमारे और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ हमने लिख लिए हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए जो खाते होते हैं। पर्सनल अकाउंट जिसको हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के खाते आते हैं, इसमें सिर्फ पर्सन का अकाउंट आता है या फिर किसी पार्टी का अकाउंट आता है, मतलब रिलेटेड टू पर्सन। चलिए बात करते हैं रियल अकाउंट्स के बारे में। इसमें आते हैं रिलेटेड टू एसेट्स, संपत्ति से रिलेटेड जितने भी खाते होंगे उनका सभी का हिसाब किताब हम इसमें रखेंगे। नॉमिनल की बात कर रहे हैं, जिसको हम वास्तविक खाता बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड आते हैं आपके जितने भी एक्सपेंस के होंगे, जितने भी नुकसान के खाते होंगे, खर्चे के या नुकसान के, फ़ायदा हो या फिर कोई इनकम हो, तो उससे जुड़े सभी खाते आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, जिसको हम सिर्फ नाम मात्र खाते के लिए बनाते हैं। अब बात करते हैं हम डिटेल में थोड़ा पर्सनल अकाउंट के बारे में, जिसको हमने लिखा था रिलेटेड टू पर्सन। इस खाते में क्या होगा, जितने भी व्यक्तिगत खाते होंगे, किसी पर्सन का अकाउंट होगा, किसी पार्टी का अकाउंट होगा, तो इसमें हम समझेंगे किस पर्सन को, किस पार्टी को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। फ्रेंड्स देखिए, डेबिट कर देते हैं हम रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं हम द गिवर को। जैसे मान के चलते हैं कोई एक पार्टी है जो रिसीवर है, जो कि हमसे पैसा लेगी, तो वो कौन सी पार्टी होगी, रिसीवर होगी, मतलब प्राप्तकर्ता होगी। तो उस पार्टी के अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। गिवर मतलब हम उसको पैसे देंगे, तो हम कौन हो गए, देने वाले, मतलब क्रेडिट। सिंपल भाषा में अगर इजी भाषा में समझें तो डेबिट हम उसको कर लेते हैं जिसमें पैसा ऐड होता है, जिस लेजर में अमाउंट ऐड होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जिस लेजर से अमाउंट माइनस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब जिस जेब से निकलेगा, जिससे निकलेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जिसमें प्लस होगा, जिसमें जोड़ होगा उसको हम डेबिट कर लेंगे। तो सीधी भाषा में पर्सनल अकाउंट में किसी पार्टी को हम इस तरह से समझेंगे, जब भी कोई पार्टी रिसीवर होगी, प्राप्तकर्ता होगी, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, जब भी कोई पार्टी गिवर मतलब देने वाली होगी तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। रियल अकाउंट्स में देखिए, रिलेटेड टू एसेट्स, जो कि संपत्ति से रिलेटेड खाते आते हैं, वो सभी कुछ आपके रियल अकाउंट में आते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए डेबिट कर देते हैं व्हाट कम्स इन और क्रेडिट कर देते हैं व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, जो सामान आपके पास आ रहा है, जो संपत्ति आपके पास आ रही है, जो भी संपत्ति का आपने खाता बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है, अगर वो चीज़ आपके पास आ रही है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट कर देते हैं व्हाट गोज आउट। जैसे कैश है, आप बैंक में जमा करते हो, निकालते हो, जब कैश आपके पास आता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब जिस बैंक से जा रहा हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, जब आप बैंक में जमा करते हो तो उसको बैंक को डेबिट कर देते हैं, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो सिंपल है, जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जिसको हम नाममात्र खाता बोलते हैं, इसमें बहुत सीधा है, रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जो कि खर्चे होते हैं, नुकसान है, कोई आय है, इनकम है, प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तो उससे जो सारे जुड़े खाते होते हैं वो हम नॉमिनल अकाउंट में चढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, डेबिट कर देते हैं ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके खर्चे के जो लेज़र बनाए हुए होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, एंड लॉसेस, जो भी आपके नुकसान वगैरह खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट कर देते हैं हम उसको ऑल इनकम, जो भी आपकी इनकम वगैरह होती है या फिर कोई फ़ायदा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि काउंटर वाउचर, पेमेंट वाउचर में किस तरह से एंट्री हुई होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा या फिर उसी पर मैं वीडियो कोई बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।